हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स वो में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एक काफ़ी पॉपुलर डिपार्टमेंट के बारे में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसके लिए हर साल लाखों स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स का इसमें सेलेक्शन भी होता है। तो क्या ऐसा चीज़ है इस पोस्ट में जो कि इस पोस्ट को इतना पॉपुलर बनाता है कि लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए हर साल प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन अपना करते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल, क्या ड्यूटीज़ करनी होती है उनको, सैलरी इनका कितना मिलता है 7th पे कमीशन के बाद, प्रमोशन कैसे होता है, किस पोस्ट पे प्रमोशन होता है, और ओवरऑल करियर ग्रोथ कैसा होता है। बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसा लाइफ स्टाइल एक इनकम टैक्स ऑफिसर अपना जीता है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको दोनों तरीके के काम मिलता है, फील्ड जॉब और ऑफिशियल जॉब, दोनों तरीके का आपको इसमें काम मिलता है। तो अब ये देखिए, ये डिसाइड कब होता है, जब आपका ट्रेनिंग मिलता है आपको ज्वाइनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि आपको जो ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया जा रहा है, साइन किया जा रहा है, या फिर फील्ड एक्टिविटी के लिए साइन किया जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑफिशियल होते हैं उनको भी फील्ड एक्टिविटी पे भेजा जाता है। तो ये बेसिकली इनका काम होता है या तो ऑफिस में या फिर फील्ड एक्टिविटी में। अब इस दोनों में किस तरीके का काम होता है वो हम बात करेंगे। तो देखिए, असेसमेंट सेक्शन और नॉन असेसमेंट सेक्शन, दो तरीके में हम इसको बांट सकते हैं। असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग आपको मैं बताऊं तो इवैल्यूएशन बोल सकते हैं या फिर एनालिसिस बोल सकते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो मूल्यांकन। असेसमेंट सेक्शन और नॉन असेसमेंट सेक्शन, दो तरीके में इसको हम इनकम टैक्स के जॉब प्रोफाइल को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे असेसमेंट सेक्शन की कि इसमें क्या होता है। असेसमेंट सेक्शन देखिए, बेसिकली आपका इन ऑफिशियल जॉब होता है, ऑफिस में बैठ के जो आपको जॉब करना पड़ता है, कंप्यूटर पे आपको जॉब करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसमें काम किस तरीके का करना होता है आपको, इसमें बेसिकली आपको टैक्स से रिलेटेड जो क्लेम्स होते हैं उसको हैंडल करना पड़ता है। कोई ग्रुप या फिर कोई कंपनी अगर किसी चीज़ का क्लेम करती है कि उनको रिडक्शन चाहिए टैक्स में, तो इन सब तरीके को पेपर को आपको हैंडल करना पड़ता है, या फिर TDS से रिलेटेड कोई इंक्वायरी आता है उसको हैंडल करना पड़ता है आपको। तो ऑफिशियल जॉब कंप्यूटर पे आपको आपको सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे हैंडल करना है, इन सब तरीकों से आपको ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करें नॉन असेसमेंट, जो कि काफ़ी पॉपुलर इसी पोस्ट इस डिपार्टमेंट को बनाता है काफ़ी पॉपुलर, नॉन असेसमेंट में अगर हम बात करें तो फील्ड वर्क इसमें आपको करना पड़ता है, जैसे कि रेट्स कंडक्ट करना पड़ता है। इनकम टैक्स कमिश्नर का जहाँ पे आपको ऑर्डर होता है वहाँ पे जाके आपको रेट को कंडक्ट करना पड़ता है, आपके साथ ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ जाके आप रेट कंडक्ट करते हैं, या फिर कोई फाइल आपके पास आता है किसी कंपनी का या किसी पर्सन का, तो उसके लिए आपको एविडेंस गैदर करना पड़ता है कि सही तरीके से ये काम कर रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है नहीं, इन सब तरीकों का आपको एविडेंस जो है गैदर करना पड़ता है। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो पैन इंडिया बेसिस पे इसका आपको पोस्टिंग होता है, पूरे इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग इसका मिल सकता है। ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो 3 साल के बाद इसका ट्रांसफ़र होता है। और अगर हम टाइमिंग के बारे में बात करें तो इसका जो ऑफिशियल वर्किंग आवर होता है 9 to 5, जैसा कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का होता है 9 to 5 का इसका टाइमिंग होता है जॉब का। लेकिन अगर आप नॉन असेसमेंट सेक्शन में आपका होता है ज्वाइनिंग, तो आपको टाइमिंग लिमिट नहीं होता है, उसमें आपको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ सकता है, क्योंकि रेट कंडक्ट के दौरान आपको हो सकता है कि ज़्यादा टाइम देना पड़े उसके लिए। तो अगर हम चलिए हम सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे इसका 4600 है, और पे स्केल की बात करें तो 9300 to 34800 का इसका आपको पे स्केल मिलता है। इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें एक्स सिटीज में जो भी कैपिटल सिटीज होती हैं वो आती हैं, तो उसमें अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपको 52,000 के अप्रॉक्स इन हैंड मिलेगा 7th पे कमीशन के बाद। अगर वाई क्लास ग्रेड सिटी की बात करें तो इसमें आप 5,000 डिडक्ट कर दीजिए, 48,000, और अगर जेड क्लास की बात करें तो उसमें फिर 4,000 डिडक्ट कर दीजिए, मतलब 44,000 आपको इन हैंड मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बेनिफिट की बात करें तो आपको पेट्रोल का अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मोबाइल बिल लिमिटेड अमाउंट का आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलॉट किया जाता है, HRA अगर क्वार्टर अलॉट नहीं किया जाता है आपको जब तक, तब तक आपको उसके लिए रेंट दिया जाएगा।
डीए टीए जो डीए है आपका हर क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होता है, तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि आपको सोशल स्टेटस जो है आपका काफ़ी हाई हो जाता है, ये हम देखेंगे। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर सबसे जो फर्स्ट प्रमोशन आपका होता है वो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट है, आपको पता ही होगा। और ये 5 साल की सर्विस के बाद मोस्ट प्रॉबली आपका इसमें प्रमोशन हो जाता है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि प्रमोशन का क्या इसका तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है प्रमोशन का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आप बनते हैं, जो कि 10 से 12 साल की सर्विस के बाद आप इसमें प्रमोट होने के चांसेस होते हैं आपके। उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, तो इस तरीके से इसका प्रमोशन होता है। तो आप रिटायरमेंट तक एडिशनल कमिश्नर तक का आपका पोस्ट शायद आपको मिल जाता है। अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें तो इतनी चीज, इतना सब कुछ जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसका करियर ग्रोथ कैसा होगा। काफ़ी हाईलाइटेड जॉब है, काफ़ी पॉपुलर डिपार्टमेंट है और बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होता है और काफ़ी अच्छे पोस्ट तक आपका प्रमोशन होता है। सोशल स्टेटस जो मैं फिर बात कर रहा हूँ इसका, ये काफ़ी हाई होता है आपका। अगर आप किसी के गाड़ी या किसी के घर के आगे अगर लिखा हुआ बोर्ड में देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो काफ़ी ये इस सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और सोशल स्टेटस में आपके फ़र्क पड़ता है, ये काफ़ी हाई होता है। अगर आप भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप भी इस डिपार्टमेंट का सपना देख रहे हैं, तो आप 2008 SSC CGL का फॉर्म जरूर फिल करें और ये बहुत जल्दी आपको वैकेंसी डिक्लेयर होगा, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट अपना कर सकते हैं। ये हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है हर ईयर कंडक्ट करती है इसका एग्जाम। तो काफ़ी कुछ आप इस वीडियो में देखें, इनकम टैक्स से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल ड्यूटीज हर चीज़ में मैंने बात करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बहुत जल्द हर डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर नारकोटिक्स का भी वीडियो डालूंगा, और अगर आपको किसी अलग डिपार्टमेंट का वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।